हेलो गाइस, वेलकम माय बैक चैनल। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? ठीक ही होंगे। अभी हम लोग गार्डन निकलने वाले हैं और गार्डन पंचेश्वर गार्डन आज हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स। और आप लोग इस ब्लॉग में बने रहें और आप लोग को इस ब्लॉग में बताने वाले हैं। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ा देर में और आप लोग ब्लॉग में बने रहें। तो गाइज, एक्चुअली हम गार्डन के पास आ चुके हैं और देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे थोड़ा भी देख रहे हैं क्या है, खुला है बंद है, देख रहे हैं ना। एक्चुअली हम यहाँ पे गार्डन के पास आ गए हैं और इसके अंदर हम जा रहे हैं। अब हम टिकट लेंगे यहाँ पर काउंटर पे। एक्चुअली हम गार्डन के अंदर आ चुके हैं फ्रेंड्स और यहाँ पे देख रहे हैं ना, काउंटर है और यहाँ पे अभी नहीं है, देख रहे हैं अभी कहाँ पे है। और हम लोग टिकट कटाकर अंदर जाएंगे। और तो गाइज, एक्चुअली देख रहे हैं ना, हम लोग गार्डन के अंदर आ चुके हैं, आपको हम दिखा दे रहे हैं अच्छे से, अच्छी तरह से देख रहे हैं ना। फाइनली हम लोग गार्डन के अंदर आ चुके और अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा टहलेंगे, घूमेंगे। और गाइज, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी नए फ्रेंड्स हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। देख रहे ना गाइज, यहाँ का नजारा बहुत अच्छा है और यहाँ पे झूला भी लगा हुआ है गार्डन के अंदर, झूल भी सकते हैं, बहुत नज़ारा अच्छा है। और आप लोग को इस ब्लॉग में सारे नज़ारे दिखाने वाले हैं और आप लोग इस ब्लॉग पे बने रहें। और गाइज, जिस गार्डन में हम अभी आए हैं आप लोगों को दिखा दूँ, देख रहे हैं फ्रेंड, ये इस गार्डन का नाम है पंचोशोला। और इस गार्डन में मतलब कि यहाँ से देख रहे हैं ना फ्रेंड, यहाँ से गाइज, यहाँ से रास्ता था अंदर जाने के लिए, यहाँ से आपको हम यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, नजदीक से देख रहे ना, यहाँ से हम लोग अंदर जाते थे इसी पहाड़ के अंदर से, देख रहे ना। ये अभी इसको बंद कर दिया गया था, इसको अभी ने बंद कर दिया गया है और ये पहले यहाँ से ओपन था, इसी के अंदर से हम लोग जाते थे उधर, देख रहे ना, यहाँ से बंद हो गया तो फिर घूम के जाना पड़ेगा। और यहाँ से अभी हम लोग इधर से फिर रिटर्न हम लोग को फिर यहाँ से घूम कर जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल बाद हम इस गार्डन में आए हैं। 5 साल पहले इस गार्डन में हम आए हुए थे तो वहाँ पे ओपन था और उसी रास्ता से हम लोग पहाड़ के अंदर से रास्ता था और अभी तो उसको बंद कर दिया गया है। तो गाइज, आप लोग को बता दूँ, देख रहे ना फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पे हैं, सीढ़ी के पास यहाँ पे बैठे हुए हैं और फाइनली हम लोग चलते चलते उस समय में गार्डन से हम लोग का पैर दुख गया तो थोड़ा सोचे हैं थोड़ा यहाँ पे बैठ कर थोड़ा रेस्ट ले ले, देख रहे सीढ़ी पे, झूले के सीढ़ी पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि चलते चलते हम लोग को बहुत पैर थक गया। इतना बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है फ्रेंड्स। देख रहे ना गाइज, यहाँ पे छोटा सा दो झोपड़ा बना हुआ है, एक बड़ा है और एक छोटा सा है, कितना इसका मस्त नज़ारा है, देख रहे ना कितना अच्छा बनाया गया है इसको, देख रहे ना, आपको नजदीक से दिखा दे रहा हूँ, देख रहे ना, बहुत मस्त नज़ारा है। और गाइज, आप लोगों को बता दूँ, ये जो देख रहे ना झोपड़ा, छोटा वाला एक बड़ा वाला, एक्चुअली मतलब कि एक अगर बारिश आ गया तो अब क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे है ना गार्डन के अंदर, यहाँ पे झोपड़ी के अंदर, यहाँ से आप इसमें छुप सकते हैं, देख रहे हैं ना, ये गार्डन के अंदर छोटा वाला जो है, यहाँ पर झोपड़ा, इसके अंदर आप छुप सकते हैं अचानक अगर बारिश आ गया तो।
इसलिए यहाँ पे एक छोटा एक बड़ा यहाँ पे झोपड़ा बनाया गया है। अब बारिश जो आएगा उस बारिश जब आएगा उस समय आप छुप सकते हैं। और आप लोग को बता दूं, देख रहे ना यहाँ पे गुफा जैसा बना हुआ है, दोनों साइड से देख रहे ना यहाँ पे घेरा हुआ है गुफा के जैसा है। यहाँ से हम लोग अब अंदर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। निकल गए फाइनली, उसके अंदर से हम लोग निकल गए। बहुत दिनों बाद आए हैं। तो गाइज फाइनली हम लोग गार्डन में आ चुके, घूम चुके, अब हम लोग निकलेंगे। शाम हो चुका, अब हम लोग निकलेंगे रूम के लिए, घर के लिए रूम पे अब जाएंगे और खाना खा के सो जाएंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे। और अभी बारिश देख रहा है, बारिश भी चालू हो गया, तो अब हम लोग निकल रहे हैं रूम पर जाने के लिए, और फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।